नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करणी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बहुपद वाली क्लास खत्म कर ली थी। बहुपद वाली प्रश्नावली हमारे हो गई है, उसमें दो वीडियो डाले गए हैं, दोनों पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के रूप में। ये जो आगे प्रश्नावली है वो आपके बहुपद, इसमें बहुपद की यूनिट की है, और उस यूनिट में प्रश्नावली आपके चौथी दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकरण। ये जो प्रश्नावली है आपके, ये टोटल 6 नंबर की है। इसमें से एक ही प्रश्न आता है पार्ट डी के अंदर, वो आता है 6 नंबर का। तो इस 6 नंबर के प्रश्न में दो ही प्रकार के प्रश्न है जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इसी प्रकार के दो ही प्रश्न है। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही प्रश्न से। तो मैं एक प्रश्न को करके तीनों एक में ही बता देता हूँ। और असमीकाओं वाले में से मैंने एक ही असमीका लिखी है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस वाली 6 नंबर में ही आ सकती है, बाकी छोटी असमीकाएं नहीं आती है। तो करते हैं, देखिए पहला प्रश्न है आपके कि निम्न रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि से हल कीजिए और इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक तो प्रश्न को आगे बढ़ा दिया जाता है, टाइप चेंज कर दिया जाता है। एक तो प्रश्न सिंपल सा आता है, दो समीकरण दे दी जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर ये दोनों समीकरण लिखी है। तो ये दो समीकरण दे दी आपको और ये कह दिया कि आलेखीय विधि से हल कीजिए। एक तो ये प्रश्न आता है 6 नंबर का, इसी में ज्यादा चांस है इसका आने का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता है 5 नंबर का, तो ये आलेख कर दिया जाता है, मतलब ग्राफ कर दिया जाता है। और 1 नंबर का क्वेश्चन ये कर दिया जाता है कि इस a का मान ज्ञात कीजिए, तो ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। इसी में तीसरे टाइप का प्रश्न आता है कि ये दोनों या तीन समीकरण, दो समीकरण दे दिए आपको और ये कह दिया कि वाई अक्ष के साथ बने त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करो, या एक्स अक्ष के साथ बनी कोई भी आकृति है उस आकृति के निर्देशांक बताओ। तो तरीका सब में सेम ही रहेगा, आपको ग्राफ बनाना है और काम पूरा काम उसी ग्राफ से होगा। एक ये असमीकाओं वाला है, ये भी 6 नंबर का आता है, ये भी 6 नंबर का आता है। तो ये दो ही टाइप के प्रश्न है, इसमें मुख्य रूप से इन्हें ध्यान रखना है आपको। पहला प्रश्न कर लेते हैं हम लोग अभी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दो समीकरण दी गई है यहाँ पर। सबसे पहले दो समीकरण लिख लेनी है आपको। पहली समीकरण दी गई है आपको कि एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। ये दो समीकरण आपको दी गई है। इन दोनों समीकरणों में आपको एक बार x को जीरो करना है, एक बार y को जीरो करना है, और एक टेबल बनानी है, दो दो मान निकाले हैं, उसका ग्राफ हमें अंकित करना है। तो ग्राफ अंकित करने के लिए एक बार यहाँ इस समीकरण में क्या रख देते हैं, x बराबर जीरो रखने पर, x बराबर जीरो रख देते हैं, x की जगह जीरो रख देते हैं, तो मान क्या जाएगा, 0 प्लस 3y बराबर 6। 3y बराबर 6, तो y बराबर 6/3 यानी कि 2। अगला मान क्या करते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर इसी समीकरण में पिछली बार x बराबर 0 रखा था, इस बार y बराबर 0 रख देते हैं, तो y की जगह 0 रखेंगे, तो x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6। दो मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए x और y के, तो उनसे टेबल बना लीजिए। ये टेबल बना ली हमने x और y की, ये एक x का मान, ये y का मान, क्या क्या मान प्राप्त हुए हमने, जब हमने x बराबर 0 रखा तब y की वैल्यू आई 2, और जब हमने x बराबर 0 रखा, जब हमने y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू आई 6। ये दो मान हमें प्राप्त हो गए, 2 0 और 6 0, दो बिंदु लगा देंगे ग्राफ पे। सेम इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे समीकरण को। तो इसको समीकरण को सोल्व करने के लिए एक बार x बराबर 0, तो y का मान क्या आएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो 2 × 0 माइनस 3y बराबर 12, तो माइनस 3y बराबर 12, y बराबर 12/-3 बराबर -4। ये आ गई वैल्यू y की, जब x बराबर 0 हमने इस समीकरण में रखा। अब अगली बार y बराबर 0 रखेंगे तो 2x माइनस 3 × 0 बराबर 12, यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 12, तो x बराबर आ गया 12/2 बराबर 6। ये आ गया आपके x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से भी दोनों, जैसे हमने टेबल बनाई थी वैसे दो मान की यहाँ टेबल बन गई आपके। क्या क्या बना टेबल में, x और y की वैल्यू, x और y, पहले हमने जब x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू आई हमारे पास -4, और जब हमने y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू आई हमारे पास 6। ये दोनों टेबल बन गई, इन दोनों टेबल से आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ पेपर आप लोग जानते ही हो, ग्राफ पेपर के मिड में आपको एक लाइन खींचनी है, ये होगी y अक्ष, और इधर जो आएगा वो होगा आपके x अक्ष। मैं यहाँ ऐसे ही दर्शा रहा हूँ आपको, ग्राफ पेपर पे उचित पैमाना लेकर दर्शाना, एक आने में एक ले सकते हो आप। तो यहाँ पर हम लोग आंकड़े लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, इधर भी ये 6 अंक ले लिए हमने, और नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर पैमाना लिख देना है आपको ऊपर,
और पैमाना आप जो भी लेते हो यहाँ पर पैमाना लिखना है आवश्यक रूप से ग्राफ पेपर पे। क्या पैमाना लिखेंगे कि एक्स अक्ष पे क्या पैमाना लिया हमने वो लिखेंगे, एक्स अक्ष पर एक खाना बराबर एक इकाई और वाई अक्ष पर लिखेंगे तो भी एक खाना बराबर एक इकाई, क्योंकि हमने एक एक ही लिया है तो ये एक एक लिया, हमने एक एक इकाई तक लिया है। माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः, माइनस सात, इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच और ये माइनस छः, ऊपर वाई के एक दो तीन चार पाँच और छः। पॉइंट दर्शाएंगे तो पहली टेबल पे पॉइंट दर्शाएंगे, पहले एक्स का मान जीरो है तो वाई का मान प्लस के दो है, तो एक्स का मान जीरो यहाँ पर है और वाई का मान प्लस के दो यहाँ पर है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा पहला, इसको लिख देते हैं जीरो और दो। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा इसी समीकरण का, छः और जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू छः और वाई की वैल्यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू छः यहाँ पर है और वाई की वैल्यू जीरो यहाँ पर है, ये हो गया छः और जीरो। इन दोनों को मिला दीजिए, ये जो लाइन बनेगी ये आपकी एक सीधी स्केल से सीधा मिलाना है आपको, ये बन गया एक कर्व बन गया। इस कर्व के ऊपर इधर तीर का निशान लगा दीजिए, इधर भी तीर का निशान लगा दीजिए, इसके ऊपर जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लिख दीजिए, कौन सी इक्वेशन है हमारी ये है, तो इसके ऊपर लिख दीजिए एक्स प्लस तीन वाई इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन लिख दी। ये पहली समीकरण को हमने ग्राफ पेपर पे दर्शा दिया। अब दूसरी समीकरण क्या है हमारी, ये इसकी जो टेबल बनी थी वो क्या आई, एक्स का मान जीरो तो वाई का मान माइनस चार, तो वाई का मान माइनस चार यहाँ पर है, एक्स का मान जीरो यहाँ पर है, x का जीरो y का माइनस चार ये आ गया। दूसरा x की मान छः और y का मान जीरो, तो x का मान छः और y का मान जीरो कौन सा बिंदु है, ये रहा यहाँ पर कॉमन बिंदु है दोनों के बीच में, तो इसको मिला देंगे स्केल से एकदम सीधा, ये मिला दिया इनको, इधर तीर का निशान उधर भी तीर का निशान, ऊपर समीकरण लिखेंगे तो समीकरण कौन सी आएगी, दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर बारह। अब प्रश्न को आगे करेंगे, ये आ गया आपके एक तो आलेख की विधि से हल कीजिए, इतना सा है एक तो प्रश्न आता है, इतना सा आलेख की विधि से हल कीजिए, तब आपको केवल ग्राफ पेपर पे ही दर्शाना है और ग्राफ पेपर के नीचे हल लिख देना है, दोनों समीकरणों का हल क्या होगा, हल वो होगा जो दोनों में कॉमन बिंदु है, मतलब जहां दोनों समीकरणें कट रही है तो दोनों लाइनें यहां कट रही है छह जीरो पे, तो इसका हल क्या होगा छह जीरो। अगर प्रश्न केवल आलेख की विधि से हल करो आता है तब आपको यहाँ हल लिख के छोड़ देना है कि इन दोनों समीकरणों का हल क्या आएगा छः जीरो, यानी कि मतलब छः जीरो का मतलब है x का मान तो आएगा छः और y का मान आएगा जीरो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो एक तो आ गया ये आलेख की विधि से हल करो, अब जो ये प्रश्न लिखा है मैंने इसको करते हैं, देखो इसमें आलेख की विधि से हल करो और इसकी सहायता से a का मान ज्ञात करो, हमें a का मान भी ज्ञात करना है, तो उसको कैसे करेंगे, पांच नंबर का तो हो गया ये, और आगे जो एक नंबर a वाला है उसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर जो x और y की वैल्यू आई है वो वैल्यू इस समीकरण में रख दीजिए तो a का मान आ जाएगा। तो समीकरण क्या है हमारी यहाँ पर कि चार एक्स प्लस तीन वाई बराबर a है, तो यहाँ x और y की वैल्यू रख दीजिए, x का मान आया छः तो चार इंटू छः प्लस तीन इंटू जीरो बराबर ए, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, तीन को जीरो से गुणा करेंगे जीरो और छः चौके चौबीस, चौबीस बराबर ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई चौबीस आ गई। ये आपके इतना सा एक नंबर का और बढ़ जाता है जब पांच नंबर की तो ग्राफ हो जाती है और एक नंबर का ये आ जाता है, तो इसमें ये भी ध्यान रखना, ये हो गया दूसरे टाइप का। तीसरे टाइप का इसी में बता देता हूँ, तीसरे टाइप का आपको पूछ लिया मान लो यही दोनों समीकरणें दे दी, ये लिख दिया कि आलेख की विधि से हल कीजिए और वाई अक्ष के साथ बने त्रिभुज के निर्देशांक बताइए, तो यहाँ पर देखिए ये वाई अक्ष है और इस वाई अक्ष और इन समीकरणों के मध्य, ये दोनों समीकरण है इन दोनों के मध्य त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ से, ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के निर्देशांक बताना है आपको, तो निर्देशांक क्या क्या होंगे, अगर त्रिभुज के निर्देशांक पूछे तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, एक नंबर में त्रिभुज के निर्देशांक लिखिए, तो त्रिभुज के निर्देशांक यहाँ समीकरण में क्या क्या है, देखो एक तो ये आया जीरो और दो, इसको लिख देंगे ए बिंदु, तो ये लिख दिया ए बिंदु, ये लिख दिया बी बिंदु और ये लिख दिया सी बिंदु। बी बिंदु, बी के निर्देशांक क्या है, त्रिभुज के दूसरे शीर्ष के निर्देशांक यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू माइनस चार, सी बिंदु के निर्देशांक छः और जीरो, तो ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के, तो ये पूछ सकते हैं आपको, कोई भी आकृति दे सकते हैं इसमें, एक्स अक्ष के साथ भी पूछ सकते हैं, एक्स और वाई एक्स के बीच में पूछ सकते हैं, जो भी पूछे आपको ध्यान रखना है आकृति देख के उसके निर्देशांक लिखना है। तो ये आपके प्रश्न आता है छह नंबर का जिसमें आलेख की विधि से हल तक करना है, तो आपको यहाँ तक ही करना है, एक्स और वाई के हल लिख दीजिए, हल के अलावा कोई इक्वेशन दे दी उसमें ए का मान पूछ लिया तो आपको ये काम आगे करना पड़ेगा, और निर्देशांक पूछ लिए तो बस आपको इसमें देख के सीधे निर्देशांक लिखना है कि ये त्रिभुज के निर्देशांक होंगे, तो ये आपके छह नंबर का प्रश्न आता है।
इसके अलावा दूसरा प्रश्न आता है आपके असमीकाओं वाला, दूसरे टाइप का। दो ही टाइप के प्रश्न है इस प्रश्नावली में से, छोटी सी और सरल सी प्रश्नावली और 6 नंबर की भी है, तो इसका ध्यान रखना विशेष रूप से। अगला आता है आपके सर्वसमीका का, तो एक सर्वसमीका मैंने अभी लिखी थी, सर्वसमीकाओं को कैसे दर्शाते हैं उनको ग्राफ पेपर पे दर्शाना है आपको। ये दिया जाता है कि निम्न सर्वसमीकाओं को आलेख की विधि से हल कीजिए, तो उनको हल कैसे निकालेंगे देखते हैं। उनको केवल दर्शाना है आपको ग्राफ पेपर पे। तो जैसे मैंने अभी भी एक यहाँ पर लिखी थी मॉडुलस वाली, जो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडुलस वाली, ज़्यादातर ये पूछते हैं। तो मॉडुलस वाई माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है आपको, और इस सर्वसमीकाओं को आलेख की विधि से हल कीजिए ये कहा जाता है आपको। तो ध्यान रखें इसमें कि मोड की क्या प्रकृति होती है, जो मॉडुलस, इसको मॉडुलस कहते हैं जो दोनों तरफ बाहर होता है, और इसके अंदर कोई भी संख्या होती है तो उसका मान अगर माइनस में रहता है तो भी प्लस में हो जाता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो माइनस टू प्लस के बीच में रहेगी। मतलब यहाँ पर जो 3 लिखा गया है, इसकी प्रॉपर्टी हमें क्या लेनी है कि वाई माइनस एक्स, चिन्ह लेना यही, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 एंड इज लेस देन इक्वल टू 3, ये इस मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। मतलब माइनस 3 और 3 के बीच में इसका मान रहेगा। तो ये मैंने लिखा है कि y माइनस एक्स का जो मान है वो माइनस 3 से बड़ा और इसके बराबर, और 3 से छोटा और इसके बराबर होगा। मतलब माइनस 3 और 3 के बीच में y माइनस एक्स की वैल्यू रहेगी। यहाँ से हमारे पास दो समीकरण आ जाएगी, एक समीकरण यहाँ इक्वल टू के चिन्ह को लेकर चलेंगे, एक समीकरण हम लोग ले लेते हैं वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, तो इज इक्वल टू माइनस 3, एक समीकरण ये आ गई, और एक समीकरण इससे आ जाएगी कि वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। मतलब एक बार तो इस इक्वल टू को ले लिया तो माइनस 3 आ गया, एक बार इस इक्वल टू को ले लिया तो प्लस के 3 आ गया। इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे, ग्राफ पेपर में दर्शाएंगे और इस क्षेत्र को दर्शाएंगे कहाँ पर है। तो सोल्व कर लेते हैं, वही तरीका हमारा, एक बार रखेंगे x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 3, जब x बराबर 0 तो y बराबर माइनस 3, और यहाँ पर जब y बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस x, क्योंकि y की जगह तो 0 आ जाएगा, 0 माइनस x बराबर माइनस 3, तो माइनस x बराबर माइनस 3, तो x बराबर प्लस के 3, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। तो एक तो आ गया आपके पॉइंट, दो पॉइंट आ गए हमारे पास इस समीकरण को दर्शाने के लिए। एक बार हमने जब x बराबर 0 रखा तो आ गया आपके y बराबर माइनस 3, दूसरी बार जब इसी समीकरण में y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 3। यानी कि एक पॉइंट तो हमारे पास ये आया 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस के 3, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई 3 और 0, ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। इन दो वैल्यू को हम लोग दर्शा देंगे, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ सारणी भी बना सकते हो नीचे सुविधा के लिए। दूसरी इक्वेशन है आपके y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इसको सरल करेंगे तो वही तरीका हमारा, एक बार तो रखेंगे x बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3 दिख रहा है यहाँ, जब इसका मान 0 हो जाएगा तो y बराबर 3, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा देखते हैं, तो y माइनस, y की जगह रख दिया 0, माइनस x बराबर 3, तो x बराबर आ गया माइनस के 3। समीकरण सारणी बना सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मतलब सुविधा नहीं है आपके, मतलब कंफ्यूजन हो, सीधे नहीं दर्शा पा रहे हो, तो सारणी बना सकते हो। यहाँ x की वैल्यू या y की वैल्यू, x का मान 0 लिया तो y का मान आया हमारे पास माइनस के 3, और जब y का मान 0 लिया तो x का मान आया प्लस के 3, ये इसकी सारणी हो गई। और जब इसकी सारणी बनाएंगे तो इसके भी दो मान ले लीजिए, x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, जब x का मान 0 रखा तो y का मान आया प्लस का 3, y का मान 0 रखा तो x का मान आया माइनस के 3। इन दोनों की जो है वो समीकरण दर्शा दीजिए। अभी अभी ग्राफ पेपर पे हमने सीखा था कैसे दर्शाते हैं, ये कोई ग्राफ पेपर ले लिया हमने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो पैमाना लेते हो वो आपको यहाँ पर नोट करना है, लिखना है। यहाँ पर हम पैमाना क्या ले रहे हैं, एक्स एक्स पे भी पैमाना ले रहे हैं एक खाना बराबर एक इकाई, और वाई एक्स पे भी पैमाना ले रहे हैं एक खाना बराबर एक इकाई, दर्शाएंगे इनको। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 और माइनस 3, पहले समीकरण की पॉइंट, पहले समीकरण ये जो थी इसकी क्या वैल्यू है, 0 और माइनस 3, तो पहले एक्स का मान 0, वाई का मान माइनस 3, मतलब कहाँ आएगा ये नीचे, 1 2 3, ये रहा पॉइंट 0 और माइनस 3, y का मान माइनस 3, x का मान 0, ये आ गया। दूसरा है माइनस 3 और 0, तो यहाँ पर है ये माइनस 3 और 0, x ये तो प्लस का है, x का मान तो क्या है माइनस 3, तो माइनस 3 इधर है, माइनस 3 और y की वैल्यू है 0, तो माइनस 3 और 0 आ गया, x का मान माइनस
एक्स का मान माइनस तीन नहीं है, यहाँ पर लाइन खींची हुई है, एक्स का मान प्लस का तीन है। जब वाई बराबर जीरो तो एक्स का मान प्लस के तीन है, यहाँ एक प्लस का तीन, एक्स का मान तीन और जीरो, एक्स का मान तीन और जीरो। इधर ये आ गई समीकरण, इसको दर्शा दो, लाइन से मिला दो दोनों बिंदुओं को, जैसे हमने पहले मिलाया था, इन दोनों को मिला दिया और इसके ऊपर समीकरण को दर्शा सकते हो, नहीं तो समीकरण इसमें नहीं दर्शानी आपको, क्योंकि ये पूरी एक असमीका है, इन दोनों के मध्य क्षेत्र दर्शाएंगे। तो अगली क्या है देखिए, जीरो और तीन, एक्स का मान जीरो वाई का मान तीन ऊपर आएगा, ये रहा एक्स का मान जीरो वाई का मान तीन, तो इसको लिख दो जीरो तीन और माइनस तीन और जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस तीन, ये रही माइनस तीन और वाई की जीरो, तो ये माइनस तीन जीरो, इन दोनों को मिला दो सीधा स्केल से, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो इस सर्व समीका का क्षेत्र आएगा। तो इन दोनों के बीच का मतलब इसके इधर तीर का निशान लगा दो और इस पे इधर तीर का निशान लगा दो, इसके जो बीच का क्षेत्र है इसको छायांकित कर दो, ये जो मान है ये असमीका पर आ गया। तो एक ये असमीका का प्रश्न आता है जिसमें मॉडुलस वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बाकी जो है वो सिंपल से है, आपको केवल सर्व समीकाएं खींचनी, असमीकाएं खींचनी। इस प्रश्नावली में ये दो ही टाइप के प्रश्न है, उस एक से तीन टाइप के बनते हैं और सर्व समीकाओं वाले। तो इन प्रश्नों को जरा ध्यान से देख लीजिए, एक दिन में अपने कंप्लीट हो गई, कल अगली प्रश्नावली करेंगे। और सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस चैनल को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग बेस लेकर चल रहे हैं प्रश्नावलियों का, इसीलिए केवल एग्जाम के लाइक और टाइप के प्रश्न ही हम लोग निकाल रहे हैं। धन्यवाद।